आप सभी को बता दें कि इस्लामपुर फेमस क्लब की ओर से ताजिया के प्रदर्शन के साथ साथ हिंदुस्तान के जितने भी फिल्म फाइटर्स हैं सबके तस्वीर और साथ ही साथ हिंदुस्तान का प्रोसेशन निकाला गया है, क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे समाज को, सोसाइटी को? इस्लामपुर वासियों को पैगाम है अमन के साथ खुशी बनाए, सबको मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव सृष्टि ना करें और इस तरह से 1980 साल से अब तक 44 साल हो गया, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का कॉपरेशन से गोल्डन जुबली भी बना। जी बहुत दिन फेमस क्लब का सेक्रेटरी और मोहरम कमेटी का प्रेसिडेंट रह चुके, नया पीढ़ी आगे बढ़ के आया है, कैसा लग रहा है? नया पीढ़ी आगे बढ़ के आ रहा है, आपका बैटन था नया पीढ़ी आगे बढ़ के आ रहा है, सब साथ दे रहा है, नया पीढ़ी इस बार मोहरम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं वो नज़ारा, हर साल की तरह इस साल भी फेमस क्लब की तरफ से सभी तरह के वार्ताएं, सामाजिक सुधारक वार्ताएं को लेकर के इसको ताजा भी कायम है।
क्या पैगाम देना चाहेंगे इस्लामपुर वासियों को, जहां अमन और शांति के साथ सभी मजहब के लोग सब पर्व में शामिल होते हैं? इस्लामपुर में हिंदू मुसलमान एकता पहले से भी, हम लोग सबको यही करेंगे कि सबको मिलजुल के चले, हिंदू भाई भी हम लोग के साथ हो, हिंदू भाई का प्रोफेशन होगा उसमें हम लोग भी साथ रहते हैं, उसमें भी भाईचारी जी के साथ सब कोई प्रोफेशन निकाले और कहीं भी कोई कंड बोल ना करे, तो यही पैगाम है। बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ पुलिस बैठा रहे हैं, पूरे चारे का व्यवस्था दिया जा रहा है।
और ये देख रहे हैं फेमस क्लब का ताजिया जिसका प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। सीधा सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं इस ताजिया। और इसी तरह के आज का दिन भर का और साथ ही साथ पूरी रात मुहर्रम को जिस तरह से इस्लामपुर शहर में मनाया जा रहा है इसका कवरेज देखने के लिए देखने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मैं चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता है बहुत जल्दी आपसे दूसरा कोई कवरेज लेकर के।